हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। ये देखिए बचा हुआ चावल है थोड़ा सा, इसको हम फ्राई करने चल रहे हैं। ये हमारा टमाटर है, शिमला मिर्च है, मिर्चा है हरा और प्याज है। इधर हमने धनिया लिया है अभी काटा नहीं, और ये हमारा चना है। इस तरह हम फ्राई करने चल रहे हैं। हमारा तेल गरम हो चुका है, ये देखिए सरसों का। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल रहे हैं। ये हमारा प्याज है, बच्चों बहुत पसंद करते हैं इसको, ये भी उन लोग का बहुत टेस्टी नाश्ता होता है। प्याज को हम ब्राउन कर रहे हैं। हमारा प्याज ब्राउन हो गया, इसमें हम हरा मिर्च डालेंगे और शिमला मिर्च दोनों डाल रहे हैं। इसको दो मिनट पकाएंगे थोड़ा सा। टमाटर डाल रहे हैं। इसमें हम ज़्यादा मसाला नहीं यूज करते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए सिंपल तैयार करना है, तो हल्का सा हल्दी यूज करेंगे अभी। ये हम टमाटर डाले हुए हैं, अब इसमें ये कच्चा चना है, तो इसको डाल देंगे थोड़ी देर, ये भी पकेगा। गैस हम लो कर दिए हैं, दो मिनट में ये भी पक जाएगा। ये हम इसमें चना डाले हुए हैं, तो ये धीरे धीरे चना भी पक जाए, क्योंकि ये कच्चा था, तब हम इसमें चावल डालेंगे। अभी इसमें बहुत थोड़ा सा हल्दी डाल रहे हैं, मसाला नहीं डाले हैं। देखिए हल्दी डाल रहे हैं। इसको थोड़ी देर चना को हम पका लिए हैं, अब हम चावल डालेंगे इसमें। इसमें अब हम नमक मिलाएंगे। इसको हम अच्छे से मिला ले रहे हैं। इसमें हम हरी धनिया ऐड कर रहे हैं, ये धनिया को हमने डाल दिया, अब इसमें थोड़ा सा और मिलाएंगे। ये मिल गया है, हमारा चावल तैयार हो गया है। अब बच्चों को हम निकालेंगे खाने के लिए। ये देखिए इस तरह से हमारा चावल बना है। चलिए प्लेट में निकाल लें। ये हम चावल फ्राई करके निकाल दिए हैं बच्चों के लिए, बच्चे चल रहे हैं खाने। इसको टेस्टी है। हाँ सभी लोग इस तरह से हम बच्चों को निकाल दिए हैं खाने के लिए, बच्चे खा रहे हैं, बता रहे हैं बहुत टेस्टी है। आप भी ट्राई करिएगा, और मेरा तरीका अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़। धन्यवाद।